हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो यहाँ पर जी एंटरटेनमेंट के Q3 के नंबर्स आ चुके हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कंपनी ने क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे कैसा परफॉर्म किया है और आपको इस शेयर में एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो रेवेन्यू यहाँ पर 5% से इंक्रीज़ हुआ है Q-on-Q बेसिस पे, मतलब पिछले क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करें तो इस क्वार्टर में 5% की कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है और इस क्वार्टर में 2130 करोड़ का रेवेन्यू किया है। उसी के साथ में अगर आप नेट प्रॉफिट देखते हैं तो वो 12% से इंक्रीज़ हुआ है Q-on-Q बेसिस पे और 298 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया है, मतलब पिछले क्वार्टर से 12% की ग्रोथ बताइए। तो क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने अच्छी खासी ग्रोथ बताई है, लेकिन रेवेन्यू अगर आप देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो वो 22% गिरा है, मतलब पिछले दिसंबर के क्वार्टर से ये दिसंबर के क्वार्टर में 22% की गिरावट आई है और नेट प्रॉफिट में 25% की गिरावट आई है। तो ओवरऑल अगर आप देखें, ठीक है, क्वार्टरली वाइज कंपनी ने अच्छा खासा इम्प्रूव किया है, लेकिन अगर हम ईयरली वाइज भी देखने जाए तो यहाँ पर कंपनी ने मतलब रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा गिरावट है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी के रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आए हैं। अब यहाँ पर फाइयर हाई की बात करें तो 619 रुपीज़ पे, बट करंटली 292.55 का आज का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, 1.02% अप था, लेकिन इसके रिजल्ट्स जो इतने अच्छे नहीं आए हैं तो कल ये शेयर आपको नीचे गिरता हुआ देख सकता है। तो अगर आपने इस शेयर में ट्रेड लेने का सोचा है या फिर आपको निवेश होना है तो अभी आपको नहीं करना चाहिए और अभी आपको इसमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए तो ये नीचे भी जा सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और इफ़ आपके कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।